हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। इस बार आपके एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हमने चैनल जीत के एंड क्रिएटर पे, तो सीधा हमारे आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। भाई जो उल्का पात होते हैं भाई, मीटियोराइट्स, ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्पेस में पाए जाते हैं। आप सोच रहे हो कि स्क्रीन पे तो आपको नदी जैसा कुछ दिख रहा है, तालाब एक, और आप तू इस टॉपिक पे कह रहे हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा गाइस आपको क्या है। तो गाइस, जो हमारा आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है जो उल्का पात से बने हुए सरोवर होते हैं भाई। जैसे हमारा बुल्ढाना का लोनार सरोवर, भाई ये लोनार सरोवर ना भाई, जिनके अलग अलग टाइम में अलग अलग रंग पे रहता है। और लोनार सरोवर की मैं आपको बात बताता हूँ, ये करीब करीब 56,000 साल पुराना है, और ये हमारे पूरे एशिया खंड का पहला सरोवर है, इसीलिए इसको इतनी मान्यता दी जाती है गाइस। और जो लोनार सरोवर है ना गाइस, वो आपको लगता किधर है किधर है, मैं बता देता हूँ। उसकी लोकेशन है हमारा जो महाराष्ट्र है ना, ये इधर ही आपको दिखेगा, महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले में ये लोनार सरोवर बना हुआ है गाइस। और ये जो लोनार सरोवर है, उसके बनने का मैं आपको कारण बताता हूँ। जो मीटियोराइट्स होते हैं वो अगर ज़्यादा उनका जो बैलेंस होता है वो निकल जाए, और अगर अपना मार्स भैया हट जाए उधर से, अपनी जो उनकी लाइन होती है उधर से घूम जाए और हट जाए उधर से, और वो हमारी पृथ्वी पे चला आता है भाई, और चांद से बहुत बार वो ड्रॉप होके हमारे पृथ्वी पे आ जाता है, उसकी वजह से सरोवर बनता है। आज का हमारा एक क्विक वीडियो इधर समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही।